the solution of the set of equations 3x plus 4y equal to 7 and 4x minus y equal to 3 is अब एक है कि इसे हम directly solve करें ये simultaneous equations को और दूसरा method है हम options try out कर सकते हैं let us try the option method पहला equation है 3x प्लस फोर इक्वल टू सेवन और दूसरा है फोर एक्स माइनस वाई इक्वल टू थ्री अब ऑप्शन ए चेक करते हैं एक्स की जगह वन सब्स्ट्रीब्यूट करते हैं और वाई की जगह पे माइनस वन तो यहां पे आएगा थ्री इंटू वन प्लस फोर इन माइनस वन ये हो जाएगा थ्री माइनस फोर विच इज माइनस वन तो ये फर्स्ट इक्वेशन को तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इसलिए ऑप्शन ए गलत है ऑप्शन बी ट्राई आउट करते हैं वन कॉमा वन तो इसमें एक्स की जगह पे वन दैट इज थ्री इंटू वन प्लस फोर इंटू वन तो ये आ जाता है थ्री प्लस फोर विच इज सेवन तो ये तो सैटिस्फाई हो गया अब वन वन इसमें भी होना चाहिए बिकॉज इट्स पेयर ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन दोनों का ये कॉमन सोल्यूशन है सो फोर इन टू वन वाई की वैल्यू भी वन तो ये हो जाएगा फोर माइनस वन विच इज इक्वल टू थ्री तो इस इक्वेशन को भी ये सैटिस्फाई कर रहा है तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी द वैल्यूज ऑफ x एंड y सैटिस्फाइंग द इक्वेशन x बाय टू प्लस वाई बाय थ्री इक्वल टू टू एंड एक्स प्लस टू वाईक्वल टू एट आर गिवेन बाय द पेयर यहाँ पे वी हैव पेयर ऑफ साइमिल हमें सोल्यूशन ढूंढना है सो वी कूड गो बाई द ऑप्शन मेथड एंड एर मैथड सो एक्स बाय टू प्लस वाई बाय थ्री इक्वल टू टू एंड नेक्स्ट है एक्स प्लस टू वायक्ल टू एट अब ऑप्शन ए ट्राई करते हैं थ्री कॉमर टू तो यहां पे आ जाएगा थ्री बाई टू प्लस टू बाई थ्री अब ये होता है वन पॉइंट फाइव एंड दिस इज जीरो पॉइंट सिक्स सेवन अब ये ऐड करने पर डेफिनेटली इट इज नॉट इक्वल टू टू ये टू तो नहीं आएगा सो ऑप्शन ए गलत है ऑप्शन बी चेक करते हैं माइनस टू माइनस थ्री तो एक्स की जगह पे माइनस टू देन अपॉन टू वाई की जगह पे नेगेटिव थ्री अपॉन थ्री ये आएगा नेगेटिव वन अगेन नेगेटिव वन तो ये आता है नेगेटिव टू अगेन इट डज नॉट मैचेज विथ टू तो ऑप्शन बी ये भी फेल हो गया ऑप्शन सी चेक करते हैं टू कॉमा थ्री सो ऑप्शन सी थ्री तो यहां पर आएगा टू अपॉन टू टू अपॉइन टू प्लस थ्री अपॉन थ्री ना टू अपॉइन टू ये होता है टू so, तो इसको तो सैटिस्फाई कर रहा है ये अब टू थ्री इसमें सबस्ट्रीब्यूट करके देखते हैं एक्स इज टू एंड वाई इज थ्री तो ये हो जाएगा टू प्लस टू थ्री इजा इज सिक्स टोटल आता है एट यानी ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो रहा है तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एक्स अपॉन पी प्लस वाई अपॉन क्यू इज इक्वल टू टू एंड एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू पी प्लस क्यू आर सैटिस्फाइड बाय द वैल्यूज गिवेन बाय द पेर सो यी हैव टू इक्वेशन एक्स अपॉन y upon q क्वल टू टू और दूसरा इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू पी प्लस क्यू अब ऑप्शंस दिए सो लेट अस गो बाय द ऑप्शन मेथड पहले हमें दिया है x इज p एंड y इज q तो ये सबस्टिट्यूट करते हैं x की जगह पे p ये फिर आएगा अपॉन p एंड y की जगह पर आएगा q अपॉन q सो दिस विल वन प्लस वन दैट इज इक्वल टू टू तो ये इक्वेशन तो सैटिस्फाई हो गया अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं एक्स की जगह पे पी और वाई की जगह पर आएगा क्यू सो इट्स पी प्लस क्यू एंड राइट हैंड साइड पर भी पी प्लस क्यू है तो so, ये इक्वेशन भी सैटिस्फाई हो रहा है सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए सोल्यूशन फॉर द पेयर ऑफ इक्वेश

इंटू वन बाई फोर प्लस वन अपॉन फिफ्टीन इंटू वन बाई थ्री और हमें आंसर चाहिए नाइन 20. ट्वेंटी सो फोर वन 4, फोर 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 जिक्सटीन ये हो जाता है वन अपॉन फोर थ्री वन 3, थ्री फाइव ज फिफ्टीन सो दिस इज वन अपॉन फिफ्टीन अगर डिनोमिनेटर्स इक्वलाइज करें तो ये जाएगा फाइव प्लस फोर अपॉन फोर फाइव आर ट्वेंटी तो ये तो मैच हो रहा है देखिए नाइन बाय ट्वेंटी इक्वेशन वन में तो ये सेटिस्फाई कर रहा है अब ये सेकेंड इक्वेशन में चेक करते वन अपॉन ट्वेंटी एक्स एक्स इज वन बाय फोर माइनस वन अपॉन ट्वेंटी सेवन वाई वाई है वन बाय थ्री अब फोर वन जोर फोर फोर फाइव ट्वेंटी, सो दिस इज वन बाय फाइव माइनस थ्री वन जी थ्री थ्री नाइन ट्वेंटी सेवन ये आ जाता है वन बाय नाइन, अगेन इक्वलाइज़ करते हैं डिनोमिनेटर सो नाइन माइनस फाइव अपॉन फाइव नाइन इज़ फोर्टी फाइव तो ये डिफरेंस है इधर फोर और नीचे आता है फोर्टी फाइव तो दोनों हो रहे हैं तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई फर्स्ट इक्वेशन बाय एक्स माइनस फाइव बाय वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई प्लस थ्री बाय टेन एंड सेकेंड इक्वेशन इज थ्री एक्स वाई इज इक्वल टू टेन टाइम्स वाई माइनस एक्स ऑप्शन दिए हुए तो ट्रायल एंड एरर मेथड से हम जा सकते हैं एंड इफ यू ऑब्जर्व सेकेंड इक्वेशन सिंपल है दिखने में तो पहले इसमें चेक आउट करते हैं थ्री एक्स बाय इज इक्वल टू टेन टाइम्स वाई माइनस एक्स और अगर ये सेटिस्फाई हुआ तब हम ये वाला इक्वेशन वेरीफाई करके देखते हैं सो so, यहाँ पे है एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई प्लस थ्री बाय टेन तो पहला ऑप्शन ए चेक करते हैं फाइव कॉमा टू सो थ्री इंटू फाइव फिफ्टीन फिफ्टीन इंटू टू यानी यहाँ पे आ रहा है थर्टी और यहाँ पे टेन इंटू वाई माइनस एक्स यानी टू माइनस फाइव सो टेन इंटू माइनस थ्री आ जाता है माइनस थर्टी तो ये तो मैच नहीं हुआ इसलिए ऑप्शन ए इज आउट ऑप्शन बी चेक करते हैं माइनस टू माइनस फाइव लेफ्ट हैंड साइड में है थ्री इंटू फिर ये माइनस टू इंटू माइनस फाइव ये प्रोडक्ट आएगा थर्टी राइट हैंड साइड चेक करते हैं टेन इंटू वाई माइनस एक्स यानी माइनस फाइव माइनस ऑफ माइनस टू यानी ये हो जाएगा प्लस टू अगेन दिस डिफरेंस इज माइनस थ्री माइनस थ्री इंटू टेन ये आता है माइनस थर्टी तो ये भी मैच नहीं हो रहा है ऑप्शन बी चेक नहीं कर सकते हैं राधा विकांत सिलेक्ट ऑप्शन बी ऑप्शन सी चेक करते हैं टू एंड माइनस फाइव सो लेफ्ट आएगा थ्री इंटू टू इन टू माइनस फाइव थ्री टू दिक्कस थर्टी राइट हैंड साइड पर है टेन इंटू वाई माइनस एक्स ये वाई आ गया माइनस एक्स यानी माइनस टू ये हो गया माइनस सेवन इंटू टेन दैट इज माइनस सेवेंटी अगेन ये मैच नहीं हो रहा है ऑप्शन सी इज नॉट आंसर अब बचा ऑप्शन डी टू फाइव वही आंसर होगा क्योंकि इसके आगे तो कोई ऑप्शन है नहीं तो टू फाइव so, है ऑप्शन डी फिर भी एक बार वेरीफाई कर लेते हैं चलो थ्री इंटू टू इंटू फाइव ये आ गया थर्टी राइट हैंड साइड पर टेन इंटू वाई माइनस एक्स यानी फाइव माइनस टू ये थ्री इंटू टेन ये भी आ रहा है थर्टी यस yes, तो ये मैच हो गया इसमें भी सेटिस्फाई होना चाहिए फोर अपॉन टू माइनस फाइव अपॉन फाइव ये अगर हम सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड ये टू माइनस वन तो ये तो वन आ गया राइट हैंड साइड चेक करते हैं एक्स प्लस वाई यानी टू प्लस फाइव अपॉन एक्स वाई यानी टू फाइव दैट इज टेन प्लस थ्री बाय टेन ये हो गया आपका सेवन बाय टेन और ये आ गया थ्री बाय टेन इक्वल टू वन तो यस ये वेरीफाई भी कर दिया हमने करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी द इक्वेश सिक्स एंड एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाईक्वल टू फाइव बाई थ्री इज गिवेन बाय तो साइमल्टेनियस इक्वेश दिया है और इसका सोल्यूशन हमें ढूंढना है सिंस दिए हैं तो हम ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करते हैं ये हमारे दो इक्वेशंस है यहाँ पर अब एक्स और वाई की वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट करके चेक करते हैं ऑप्शन ए में दिया है एक्स इज 16 एंड वाई इज 4 तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में सब्सटीट्यूट करते हैं X is 16 and 5 into 4 हो जाता है 16 plus 20 which is 36. So first equation is satisfied. अब इसमें 16 and 4 substitute करते हैं ये आएगा 16 plus 4 और denominator में 16 minus 4. So we have 20 upon 12. अगर इसे फोर से रिड्यूस करें फोर फाइव ट्वेंटी फोर थ्री ट्वेल्व तो ये आता है फाइव बाय थ्री तो सेकेंड इक्वेशन इज ऑल्सो इज़ ऑप्शन ए. सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू जीरो एक्स प्लस टू वाई टू ट्वेंटी वैल्यूज ऑफ एक्स एंड आर गिवेन एज तो दो इक्वेश है यहाँ पेयर ऑफ इसका हमें सोल्यूशन ढूंढना है Since option दिया है, तो लेट्स एंड एरर मेथड ऑप्शन ए में है x इक्वल टू फोर एंड वाईक्वल टू ट्वेल्व इसके लेफ्ट हैंड साइड में सब्सिट्यूट करते हैं x इज फोर और यह आएगा थ्री टाइम्स ट्वेल्व फोर माइनस थर्टी सिक्स हमें चाहिए जीरो दिस इज डेफिनेटली नॉट इक्वल टू जीरोक्वल टू ट्वेल्व एंड वाईल टू फोर यहाँ पे सबस्ट्यूट करते हैं एक्स इज ट्वेल्व माइनस थ्री टाइम्स वाईट इज थ्री टाइम्स फोर ये हो जाता है ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व विच इज इक्वल टू जीरो सो फर्स्ट इक्वेशन इज सैटिस्फाइड 12 12 4 4, इसमें substitute करते हैं, x is 12 plus 2 times y, y is 4, so 2 times 4, ये हो जाता है 12 प्लस 8, विच इज 20, सो दिस इक्वेशन इज ऑल्सो सेटिस्फाइड सो सही आंसर है ऑप्शन बी

इसमें अगर माइनस फोर सब्सिट्यूट करते हैं तो माइनस है, तो ये थर्टी वन के साथ मैच नहीं हो रहा है सो ऑप्शन ए इज नॉट आंसर ऑप्शन बी चेक करते हैं माइनस वन एंड फोर माइनस वन इसमें सब्सिट्यूट करते हैं सेवन इंटू माइनस वन माइनस सेवन फोर इंटू थ्री माइनस थ्री इंटू फोर माइनस ट्वेल्व ये आता है माइनस नाइनटीन तो दिसर ऑप्शन बी गया ऑप्शन सी चेक करते हैं फोर एंड माइनस वन सेवन फोर जा ट्वेंटी एट एंड माइनस वन यहाँ सब्सटीट्यूट करते हैं माइनस थ्री इंटू माइनस वन सो द्लस थ्री ये आ जाता है 31 अब इसको इसमें भी वेरीफाई करते हैं 4 यहाँ सब्सिट्यूट करते हैं so 9 36 1 यहां डाला सो माइनस फाइव इंटू माइनस वन प्लस फाइव सो टोटल इज फोर्टी वन यस सो बोथ आर सेटिस्फाइड तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1.5x plus 2.4y equal to 1.8 and 2.5 times x plus 1 equal to 7y have solutions as so the first equation is 1.5x plus 2.4y equal to 1.8 and the second one is 2.5 into x plus y equal to 7y let us go by the option method or the trial and error method. We have 0.5 and 0.4. Now let's multiply 1.5. Here we x and here we substitute y. 1.5 into 0.5. Let's multiply 1.5 into 0.5. That's 0.75 plus 2.4 into y. Any yani 2.4 into 0.4. टू पॉइंट इज पॉइंट नाइन सिक्स जीरो अगर हम ऐड करते हैं इन दोनों को ये आता है 1.71 लेकिन हमें आंसर चाहिए 1.8 तो ये तो सेटिस्फाई नहीं हुआ ऑप्शन ए गलत है ऑप्शन बी चेक करते हैं एक्स इज पॉइंट फोर वाई इज पॉइंट फाइव Now let's substitute 1.5 into 0.4. 1.5 into 0.4 is 0.6 plus 2.4 into y. So 2.4 into y. Y है 0.5. ये आता है 1.2. इनको ऐड करेंगे तो 1.8. ये तो मैच हो गया. अब इसे इसमें भी चेक करना होगा लेफ्ट हैंड साइड टू पॉइंट फाइव इंटू एक्स प्लस राइट हैंड साइड दिया सेवन टाइम्स वाई वाई है थ्री पॉइंट फाइव मतलब ये भी मैच तो हो रहा है तो इसका सही आंसर है ऑप्शन B. The values of x and y satisfying the equations. तो so, यहाँ दो equations दिए simultaneous equations और हमें check करना है इसमें से इसका solution कौन सा है So यहाँ पे भी trial and error method ही try करते हैं पहले दिया है x is वन and y is टू correct? X is वन and y की value है टू पहले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं सो थ्री अपॉन वन प्लस टू अभी वन प्लस टू होता है थ्री प्लस टू अपॉन एक्स माइनस वाई वन माइनस टू दैट्स माइनस वन ये अगर डिवाइड करते हैं तो ये वन और ये हो जाएगा माइनस टू दैट्स नेगेटिव वन, और हमें चाहिए थ्री तो ऑप्शन ए तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ऑप्शन बी चेक करते हैं एक्स दिया है माइनस वन और वाई दिया है माइनस टू अगेन इसमें चेक करते हैं पहले यह आएगा थ्री अपॉन माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री प्लस टू अपॉन एक्स माइनस वाई यानी माइनस वन माइनस ऑफ माइनस टू तो ये हो जाएगा प्लस टू ये डिवाइड करने पर आएगा माइनस वन टू so और ये वन तो प्लस टू टू माइनस वन वन लेकिन हमें चाहिए थ्री तो ऑप्शन बी ये भी फेल हो गया ऑप्शन सी चेक करते हैं थ्री अपॉन ये वाला ऑप्शन एक्स इज वन एंड वाई इज हाफ सो थ्री अपॉन एक्स प्लस वाई यानी वन प्लस हाफ प्लस टू अपॉन वन माइनस हाफ तो ये हो जाएगा थ्री अपॉन थ्री बाई टू एंड दिस इज टू अपॉन ये आ जाएगा हाफ सो ये जाएगा सिक्स डिवाइड बाय थ्री 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 कट हो जाएगा ये टू हो जाएगा और ये हो जाएगा फोर सो दैट इज इक्वल टू सिक्स लेकिन हमें चाहिए थ्री तो ऑप्शन सी भी फेल हो गया सो बड़ा ऑब्वियस एक ही चॉइस रह जाती है ऑप्शन डी सो टू कॉमा वन तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अब ये हम वेरीफाई भी कर सकते हैं बट जरूरत नहीं है बिकॉज और कोई आगे ऑप्शन ही नहीं है सो इट हैज टू बी टू कॉमा वन ऑप्शन डी